समय आने पर जो भी यथासंभव होगा विपक्ष के जो जो वायदे इस विधानसभा क्षेत्र में हैं चाहे पूरे मध्य प्रदेश में है जिनमें नाकाम होंगे उनको जो है हम जनता के बीच में उजागर करेंगे। विधानसभा क्षेत्र जसीमपुर में आज प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा चलो पंचायत अभियान की शुरुआत बाग कुंजला पंचायत से की गई। इस दौरान पूर्व विधायक यादविंद्र गोमा सहित कांगड़ा चंबा यूथ अध्यक्ष विजय इंद्र करण व राज्य महासचिव हेमंत शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर विजय इंद्र करण ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर छात्राओं को स्नातकोत्तर तक शिक्षा मुफ्त, बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता व किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे। विधायक यादविंद्र गोमा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कुछ क्रेशरों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला था, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें अनुमति दे दी और स्थानीय विधायक रवि धीमान हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। हलेड में नया क्रेशर न लगे इस बात पर भी भाजपा विधायक को लोगों के आक्रोश का और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। पेश है PR न्यूज सहयोगी अजीत वर्मा की रिपोर्ट। हमारे अभी हाल ही में राठौर जी ने जिम्मेवारी मिली है उनको, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। कोर्ट में जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसे संगठन में कोई कमी है हमारे। और जहाँ तक अब युवा कांग्रेस हम तो कारण रहे हैं, अभी गोमा जी मेरे साथ शेयर कर ही रहे थे कि सारा फोकस ही इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे हो गया था, सारे बड़े केंद्रीय नेतृत्व वाले यहाँ आ गए, धन का दुरुपयोग यहाँ हुआ, पैसे उन्होंने अपने पूरे लगाए यहाँ पे। कमेटी जो घोषित तो हुई थी ये नहीं जसीमपुर की हुई थी, काफ़ी और विधानसभा क्षेत्रों की भी उन्होंने कमेटियाँ घोषित की थी उसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सिप्पू जी ने। लेकिन अब नए अध्यक्ष बने हैं तो नए अध्यक्ष का जैसे नए विस्तार रूप से जो है काम शुरू होता है, तो उन्होंने फिर से वो कमेटियां मंगवाई हैं कि जो पिछले समय की भी हमने भेजी थी उसमें जो अप्रूव की थी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, तो वो कमेटियां भी वापस मंगवाई गई हैं कि उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है या कुछ करनी है। क्योंकि अभी पूरे हिमाचल प्रदेश की जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन्होंने अभी 25 तारीख को इसी कार्यक्रम को चलते हुए 25 तारीख को हमारा जनरल हाउस है, उसमें हमारे युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटक, आपके जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, MLAs, XMLAs, एक्स मिनिस्टर, CPS, उन सबको वहाँ पे बुला रहे हैं। और वहाँ पर लोकसभा की भी अगली रणनीति जो बनाई जाएगी और साथ ही साथ जो हमारी कमेटीज़ हैं उसमें भी जो बदलाव हुए हैं, जो नहीं हो रहे हैं उनको जो है वहाँ से वो घोषणा करेंगे। उस समय हाईकोर्ट से उसको स्टे भी लगा था, लेकिन आज की हालात में सरकार ही उस क्रशर के लिए जो है नोटिफिकेशन कर रही है। अगर आपको नोटिफिकेशन कॉपी चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर उसको सरकार ने दी है, ये नहीं कि कोर्ट ने दी है, सरकार ने आप चलाए, तो इसमें सरकार का हिस्सा तो बिल्कुल बाजी बनता है। स्थानीय MLA को चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेते हैं।